हाँ, ब्लैक लिस्ट और हॉट लिस्ट में दो चार गाने में नहीं यार, ज्यादा टॉप लिस्ट में बोटरीज के सपनों से प्यार करना, उसके बाद ही तो छोटे अब गिफ्ट है, कपड़े तो फिट पर सोच तेरी अनफिट है, सरप्राइज से ज्यादा तो मिलता सरप्राइज गिफ्ट है, 9 to 5 शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट अब है शिफ्ट का कोई टाइम नहीं है, शॉर्टकट से नहीं आगे बढ़ो, मेहनत से ऊपर जाने का कोई लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट चाहिए तुझको तो बात आगे करने का, ऐसा सक्सेस बिल्कुल हिट नहीं है, अच्छे गाने हजारों पे पर पब्लिक को तो शिफ्ट चाहिए, वही चीज बिकता है मार्केट में छोटे जो चीज में बिल्कुल फील नहीं है, फील नहीं है, हंसते खेलते बनते गाने, गाने बनते आइडिएशन वगैरह कैसे किया, बिकॉज अभी तो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, सभी अपने अपने घर पे, आप भी अपने घर पे हो, मतलब भाई क्या हो गया कि हम लोग ने 2-3 महीने से कुछ अपलोड किया नहीं, कुछ रिलीज किया नहीं, हम लोग को लगा कि हम लोग रिलीज करना चाहिए, तो हम लोग साथ ही साथ मतलब क्वारंटाइन ये सब इश्यूज होने के पहले हम लोग एल्बम पे काम कर रहे थे, जो अभी फिलहाल पॉज कर दिया है ये सब चीज़ की वजह से कि हम लोग स्टूडियो जा नहीं सकते, तो हमारे पास उतने सोर्सेस नहीं है कि हम लोग हमारे घर पे छोटा सा एक सेटअप कर सके, तो ये हम लोग एल्बम का गाना था हंसते खेलते मेरा और क्रैकपॉट का, तो हम लोग के पास हम लोग को लगा कि ये गाना हम लोग अभी रिलीज करना चाहिए, और बहुत सारे गाने प्री रिकॉर्डेड पहले से पड़े, हम लोग रुके एक परफेक्ट टाइम के लिए हम रिलीज कर सके, तो हंसते खेलते पड़ा था, हम लोग को इसमें एक माइनर चेंज करना था, एक ब्रिज पार्ट है उसमें खुशी से बनते हैं अब गाने भी ना गाने साथ बनते हैं भी ना, वो ब्रिज पार्ट हम लोग को चेंज करना था, तो लेकिन अभी कुछ सोच नहीं था, तो हम लोग ने ब्रिज पार्ट फोन पे रिकॉर्ड करके उसको चेंज किया, अब सुनो जाके भाई लगेगा नहीं कि वो फोन पे रिकॉर्ड किया, मैंने सुना है ऑलरेडी, सुन चुका हूँ, यस यस भाई खतरनाक, तो ऐसे ऐसा हुआ, फिर हम लोग सोच रहे थे कि वीडियो क्या करेंगे, लिरिकल वीडियो अभी तो सब जन वैसे कर रहे हैं कि लिरिकल वीडियो ये कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचे कि थोड़ा बजट निकाल के इसको थोड़ा एनिमेट टाइप वीडियो बनाते हैं, थोड़ा कार्टूनिश टाइप एकदम अट्रैक्टिव वीडियो भी एक मस्त एकदम स्मूथली निकल के आया है, अच्छा पब्लिक भी मस्त लव दे रही है गाने के पीछे, एक नंबर मजा आ रहा है, और उसके पीछे आर्टिस्ट कौन था वीडियो के पीछे, वीडियो आर्टिस्ट ब्लैक एसिड प्रोडक्शन ने वीडियो पे काम किया है, और डी आर जे सोहेल है जो म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग सब पे काम किया है, मैंने क्रैकपॉट ने गाना लिखा है, और साथ बंडा इसके ऑफिशियल चैनल से यूट्यूब के रिलीज हुआ है, तो मुझे एक और एक चीज पूछनी है कि आपके गाने का पहला लाइन है हंसते खेलते हंसते खेलते बनते गाने, ठीक है, सो मुझे ये बताओ तुम आप जब गाने बना रहे हो या गाने लिख रहे हो या लिरिक्स राइटिंग कर रहे हो, तो उसके पहले तुमको कितना आपका प्रोसेस क्या होता है, हम लोग है ना कोशिश करते हैं कि जितना हो सके सब चीज एकदम नॉर्मली रहे, तो मतलब हम लोग अभी लिखने भी बैठे हैं ना, तो ऐसा ज्यादा स्ट्रेस ना हो कि अभी ये चीज लाइन आ रहा नहीं है क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा ज्यादा स्ट्रेस नहीं, जब भी आ रहा है आने को एकदम स्मूथली, हम लोग ऐसे ज्यादा स्ट्रेस में बिलीव नहीं कर रहे, और हम लोग जब भी आप देखोगे शोज वगैरह पे हम लोग सब जन साथ में रहेंगे, ये वो हम लोग किधर गए रिकॉर्डिंग वगैरह, जितना हम लोग हंसते खेलते हैं ना भाई उतना कोई नहीं है, उतना अमेजिंग कोई नहीं हमारे जितना, और वैसे भी सेवन बंटाइज इज लाइक अ पिलर, मतलब अगर कोई मुंबई में हिप हॉप सीन के बारे में जानता है तो सेवन बंटाइज को जानता ही है, इस टाइप से एक सीन अलग क्रिएट हो चुका है, अब मुझे बताओ कि आप बहुत टाइम से मतलब आप लोग बहुत टाइम से लाइक कम्प्लीटली रैप हिप हॉप में लगे हुए, तो अभी आपको कितना टाइम हो चुका है हिप हॉप में, अभी 5 साल हो गए हैं, 5-6 years में जो changes आए हैं hip hop में वो क्या होंगे, जो अगर मैं आपसे पूछूं आप जो देख रहे हो changes, अभी जो changes आए ना भाई hip hop में यही चाहते थे कि हम लोग इतना changes आए, तो फिलहाल कुछ भी नहीं है भाई, hip hop एक बहुत बड़ा part है, एक बहुत wide area है, लोगों को और explore करना है चीज के बारे में, अभी तक सही information लोगों के पास पहुंची नहीं है hip hop के बारे में, rap के बारे में या hip hop के elements, हम लोग ऐसा मतलब ट्राई कर रहे हैं कि हर एक चीज सही से एग्जीक्यूट हो, सब सही जगह पे दिखे,
मतलब एक बूम सीन है, पहला जैसा डांस के लिए लोग में क्रेज था, ऐसा अभी लोग का क्रेज हिप हॉप में अभी मतलब बहुत ज्यादा लव मिल रहा है रैप को, बहुत अच्छा लगता है देख के। पहले ऐसा लोग सोचते थे कि रैप रैप में स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन अभी लगता है कि ये सब चीज भी एक नंबर है, करना चाहिए अगर जिसके दिल में करने की इच्छा है तो। बट गली बॉय में तुमको अगर बेसिकली देखा जाए, जब मैं ऑडियंस के साथ था तो बेसिकली जितने भी थे ऑडियंस वाले वो चेयर स्पेशली सेवन बंटाइज टाइटल है, जो मूवी के पहले से सीन में है जिसके वजह से वो मूवी है। सो सर मुझे ये बताओ कि आप सेवन बंटाइज के साथ बहुत पहले से, सेवन बंटाइज के साथ आप लोग काम कर रहे हो एज ए सेवन बंटाइज, तो सेवन बंटाइज के साथ आपका जर्नी कैसा रहा है अभी तक? मतलब हम लोग ने जो भी किया है, जितना भी किया है, सब अनएक्सपेक्टेड है। मतलब हम लोग कोई भी चीज प्लान करके नहीं करते, हम लोग एक भी चीज वेल प्लान नहीं हुआ है हम लोग का, और हम लोग इतना अच्छा लगता है कि बिना प्लानिंग के इतना सब कुछ अच्छे से हो रहा है, हर एक चीज को इतना अच्छा हिट, हर एक गाना अपना हिट जा रहा है, हर एक गाने को 5,00,000-1,000,000 व्यूज मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और हम लोग के पीछे कोई मैनेजमेंट टीम नहीं है, जो हम लोग खुद, हम लोग मम्मी सुनी सारे के लड़के लोग हैं, हम लोग खुद हर एक चीज संभालते हैं, हर एक चीज हैंडल करते हैं। और तुमको ये भी पता होगा कि लाइक राजा कुमारी, दी राजा कुमारी योगू को लास्ट टाइम हमारे स्टूडियो आई थी, ही सेड ही लाइक्स योगू, इज सो क्यूट। सो मुझे बताओ, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो योगू भाई को पहचानते नहीं है सात बंटाइज में से। योगू भाई एक मेन पिक्चर है सात बंटाइज, जो अरे लाइक कोई जानते योगू भाई। मतलब जब तुमने पहली बार घर पे बोला था कि मम्मा मैं तो रैप करूंगा हिप हॉप करूंगा, तो सीन क्या था घर पे? ऐसा मैंने कभी बोला नहीं कि घर पे कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, ये वो, बस इतना पता था कि मैं ऐसा घर पे जा रहा हूँ, ऐसा कुछ तो इतने इतने में बिजी हूँ, मेरे घर वाले देख रहे कि मैं कुछ तो लिख रहा हूँ, रात भर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ ऐसा आटे टेढ़े अंग्रेजी गाने सुन रहा है जिसमें गाली वाली है ये वो, तो फिर ऐसा कभी बोला नहीं। जब भी गाना हम लोग ने रिलीज किया 2015 में, एक गाना जो अभी यूट्यूब पे है नहीं फिलहाल, हम लोग ने उसको छुपा दिया, तो वो वीडियो मतलब अच्छा हिट हो गया। वो टाइम पे जब पॉप को इतना क्रेज नहीं था, वो टाइम पे वीडियो को 30,000 व्यूज तक आए, तो हम लोग बहुत बड़ी बात थी हम लोग के लिए। तो मतलब कभी घर पे पता चले कि ऐसे ऐसा कर रहे हैं कब, फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा दो तीन अच्छा अच्छा काम किया, फिर जू में जू एक मूवी था अशोक शर्मा जी ने डायरेक्ट किया था मूवी, तो मूवी में हम लोग ने काम वाम किया, न्यूज़ में आगे लग रहा है। फिर ऐसा दो तीन ऐसा अच्छे अच्छे कंपनीज के साथ वर्क किए 2016-17 में, तो ऐसा अच्छा हुआ। फिर हम लोग टीवी पे टेलीकास्ट हुए, न्यूज़ वगैरह में आने लगे, तो घर वाले एक्सेप्ट कर लिए, चलो ठीक है जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और बोले कि ये सब ठीक है, ये सब करते रहो, साइड में रहो, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू। अभी तक के जितने भी आपके टोटल सॉन्ग्स हो चुके, अगर मैं आपको 1-5 का स्केल दूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप इन 1, 2, 3, 4, 5 में कौन से टॉप 5 सॉन्ग्स रखोगे आपके? तो मैं पहला रखूंगा अचानक भयानक, दूसरा रखूंगा आखिर तक, तीसरा रखूंगा अजूबे अजूबे, है ना, और चौथा रखूंगा बच्चन, और पांचवा रखूंगा एड़े चाली। ये गाना मैं वही बोल रहा था, ये किधर गया गाना यार। तो ये हो गया आपके टॉप 5 सॉन्ग्स जो आपने रखे थे। तो मुझे एक और एक चीज, अब चलो हंसते खेलते के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज हंसते खेलते? हंसते खेलते अभी कैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, मतलब इसमें मुझे एक काम करते हैं, चलो तो मुझे हंसते खेलते का कोई भी एक वर्ड आप सुनाओगे ब्लैक लिस्ट और हॉट लिस्ट में।
दो चार गाने मैंने हर जगह टॉप लिस्ट में बहुत रिस्क है, सपनों से प्यार करना, उसके बाद ही तो छोटे आप गिफ्ट है, कपड़े तो फिट पर सोचते रही अनफिट है, सरप्राइज से ज्यादा तो मिलता सरप्राइज गिफ्ट है, 9 to 5 शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट अप है, शिफ्ट का कोई टाइम नहीं है, शॉर्टकट से नहीं, आगे बढ़ो मेहनत से, ऊपर जाने का कोई लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट चाहिए तुझको तो बात आगे करने का, ऐसा सक्सेस बिल्कुल हिट नहीं है, अच्छे गाने हजारों पे पर पब्लिक को तो शिफ्ट चाहिए, वही चीज बिकता है मार्केट में छोटे जो चीज में बिल्कुल फील नहीं है, फील नहीं है, हंसते खेलते बनते गाने, गाने बनते ये, जाके चेक करो सज्जन गाना आउट है, सब प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जाओ चेक करो हंसते खेलते साधन का, मैंने भी चेक किया, गाना इज वेरी ऑसम, ठीक है तुम लोग भी जाके चेक करो, ठीक है। अच्छा अब अपन एक फटाफट छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, मैं आपको 5 नेम्स दूंगा, उस पे बस रिएक्शन देना है, ठीक है। योकू, बिग शो, बिग शो, ओके। बीच लेयर, कतल कला, बीच लेयर इज इक्वल टू Beat Slayer is equal to Half Murder. Okay. Crackpot. What? Yeda Kopra. Yedi Yedi. Okay. Now MC Altaf. MC Altaf. Super Duper. Super okay. Duper. Divine. Inshallah. Mashallah. Oh yeah yeah. गाने के बारे में भाई मैं इसमें यही कवर करना चाहूंगा कि हम लोग ने इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगाया, बहुत ज्यादा हम लोग का इसमें डेडिकेशन है गाने के पीछे, तो आप सब लोग एक बार सुनो, आप जरूर कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा है, और ये जो भी COVID-19 वगैरह सीन है ये सब, बस आप सब जन हाइजीनिक रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो, बस सेफ रहो। ओके, थैंक यू सेड हमारे साथ बनने के लिए, अपना स्पेशल टाइम देने के लिए, और हंसते खेलते एक बड़ा हिट होगा, आई एम डैम श्योर। थैंक यू, बाय।